और आपको सीधे दिखाएं तस्वीरें हम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की, जहां पर ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन है जहां पर रस्मी स्वागत किया जाएगा ग्रीस के पति और पत्नी का। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं और ग्रीस और भारत के रिश्तों का एक नया अध्याय यहाँ से शुरू होगा। हम जानते हैं कि 2023 अगस्त में नरेंद्र मोदी ग्रीस गए थे, वहाँ उन्हें उच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था और उसके बाद से हमने देखा है कि दोनों के रिश्तों में एक नई ऊष्मता देखी जा रही है। खास तौर पर तमाम आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक जो क्षेत्र हैं उसमें एक युगांतकारी अध्याय लिखने की तैयारी है भारत की ग्रीस के साथ। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र महासागर में किस तरह से ग्रीस के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा, उस लिहाज से दौरा बेहद अहम है, क्योंकि आज जो रायसीना डायलॉग होने वाला है उसमें भी मुख्य वक्ता होंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री। Go!
पे जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ग्रीस के राष्ट्रपति को और ग्रीस के प्रधानमंत्री को। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब जो ग्रीस से उच्च प्रतिनिधि मंडल आया हुआ उससे मुलाकात करते हैं। उससे पहले जो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत के विशिष्ट गणमान्य मंत्री थे उनके साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आए, हाथ मिलाते हुए नजर आए। और अब देखते हैं कि जो संयुक्त बयान देते हैं हमेशा से, आइए क्या कह रहे हैं ग्रीस के। Well, it's a real privilege to be in India on an official state visit, reciprocating the visit of the Prime Minister to Greece a few months ago. For Greece, the strategic partnership between our two countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, a strategic partnership, but also fostering our economic ties between our two economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. Thank you.